पहली अप्रैल से वो ये है कि जो भी देश का निवासी 45 बरस से ऊपर की आयु के हैं उनको बिना किसी कोमॉर्बिडिटी के वो वैक्सीनेशन ले पाएंगे, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो वही है, www.covin.gov.in एक वेबसाइट ये है, इस पर जाकर आप या तो एडवांस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप वो कष्ट नहीं उठाना चाहते तो आप अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 बजे के बाद जाके ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, जिसे आप बोलचाल की भाषा में वॉक इन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कृपया 3 बजे से पहले ना जाएं, क्योंकि 3 बजे से पहले वो लोग हैं जिन्होंने की एडवांस में अपना अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आप जाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा, तो हो सकता है कोई आके आपसे पूछे कि आप कब से बैठे हुए हैं, और आप फिर सही सही बात बताएंगे, मैं तो सुबह 10 बजे से बैठा हुआ हूं, लेकिन आप अपने अज्ञानता के वश बैठे हुए हैं वहां, ये कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कृपया 3 बजे के बाद अपने नजदीकी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। सामान्यतः लोग आधार या इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं, लेकिन हमने 7-8 अन्य डॉक्यूमेंट्स भी आपको बताए हैं, जिसमें कि बैंक की पासबुक है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, अगर उस पर आपकी फोटो और आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस में है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट फैसिलिटीज का उपयोग देश भर में वैक्सीनेशन के लिए किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये एक रेंज है, इस रेंज में एक तरफ उत्तराखंड, मेघालय और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां 17% से लेकर 19% तक कुल डोजेज प्राइवेट अस्पतालों में एडमिनिस्टर होती हैं। दूसरी तरफ इसमें पंजाब, मिजोरम, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्य हैं जहां 30% से लेकर 48% तक डोजेज प्राइवेट अस्पतालों में एडमिनिस्टर होती हैं। हमारा राज्य सरकारों को परामर्श ये है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल उनके पास इम्पैनल्ड हैं अब तक, उन सब का इस्तेमाल कोविड वैक्सीनेशन के लिए किया जाना चाहिए। ये पहला अनुरोध है। ऑल प्राइवेट फैसिलिटीज मस्ट बी ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड फॉर कोविड वैक्सीनेशन। व्हेन वी से ऑल प्राइवेट फैसिलिटीज, इट मींस दोज प्राइवेट फैसिलिटीज विच हैव 4 एमिनिटीज। Which are these 4 amenities? 1, adequate space. What is adequate space? Adequate space basically are 3 rooms. 1 waiting room, 1 vaccination room, 1 observation room. Because after vaccination, you have to sit for 30 minutes and be under observation. So this is the first amenity that a private hospital must have. The second amenity that a private hospital must have is a cold chain. In the context of Indian vaccination, cold chain basically means having a well-functional refrigerator, because most of our vaccines are 2 degrees to 8 degrees centigrade storage. The third amenity that each private hospital must have is adequate number of vaccinators and verifiers. ऐसे आदमी जो आपको टीका लगा सकें और ऐसे आदमी जो आपका आइडेंटिटी चेक कर सकें। एंड द लास्ट एंड फोर्थ एमिनिटी दैट अ प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट हैव इज द एबिलिटी टू एड्रेस एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो जिन भी प्राइवेट अस्पतालों के पास इस 4 प्रकार की फैसिलिटीज हैं, उन सबका ऑप्टिमल उपयोग किया जाना चाहिए। यहां आप देखेंगे कि अनेक राज्य हैं जो उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अनेक राज्य हैं जहां की ये स्थिति और इम्प्रूव हो सकती है।